हेलो फ्रेंड्स, चेतनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, और उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है ये एक ग्लास दूध। ये अगर ग्राम्स में देखेंगे तो हमारा कम से कम 250 ग्राम दूध है ये। और इसको हम यहाँ पर, ये एक कढ़ाई हमने ले ली है, इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये हमने लिया है 2 से 3 चम्मच ठंडा दूध। इसके अंदर हमें अभी डालना है ये 1 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, इसके अंदर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं पहले कि जब हम इसको मिक्स करेंगे, ये जो हमने दूध यहाँ पर लिया है, और जब हम इसको बॉईल करेंगे और तो इसे जो कॉर्नफ्लावर होता है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है और उसमें लम्स पड़ने लगते हैं। तो लम्स ना पड़े इसके लिए इसे हम पहले ही इसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। और इस कढ़ाई को हम यहाँ गैस पे रख देते हैं और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। और इसे, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया है, तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। और साथ ही अब हम इसमें डाल रहे हैं ये चीनी। ये हमने 4 से 5 चम्मच चीनी ली है। हम चीनी कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसके साथ व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल करेंगे और वो ऑलरेडी मीठी है। अगर आप इसके साथ फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 बड़े चम्मच हमने लिया है कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और दूध को तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। देखिए, ये जो हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर है, जो हमने बेस तैयार किया है, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम 1/2 से 1 मिनट और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे और उसके बाद इसको हम गैस को ऑफ़ कर इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम अपना आइसक्रीम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये जो हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का बेस हमने तैयार किया था, ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर हमने ली है ये 200 ग्राम व्हिप्ड क्रीम। और अब हम इसको इस बर्तन में डाल लेते हैं और इसमें डालकर हम इसको थोड़ा सा हैंड ग्राइंडर की मदद से व्हिप्ड कर लेंगे।
ये देखिए अब हमने ये अपनी व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया है, और ये जो अब हमने चॉकलेट आइसक्रीम का बेस तैयार किया था ये इसके अंदर डाल देते हैं। और अब एक मिनट के लिए और इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारे चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर तैयार है, और अब हम इसमें थोड़े से ये जो हमने चोको चिप्स लिए हैं इनको मिक्स कर देते हैं, थोड़े से डाल देते हैं इसमें चोको चिप्स और इनको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें हम अपने इस आइसक्रीम के मिक्स को डाल देंगे जमने के लिए। और अब हम आइसक्रीम को थोड़ा सा और इसके ऊपर चोको चिप्स और डाल देते हैं। और ये फोइल रैप हमने ले लिया है, इसके ऊपर इस तरीके से हम इसको कवर कर देते हैं अपने कंटेनर को। इससे होगा ये कि जो हमारी आइसक्रीम है उस पर आइस क्रिस्टल बहुत कम जमेंगे और आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। और अब इसको बंद कर देते हैं, और अब हम इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में जमने के लिए रख देते हैं, या आप चाहें तो 8 से 10 घंटे भी आप टेम्परेचर के हिसाब से देख सकते हैं आप जमने के लिए रख देते हैं। अब हम भी इसे जमने के लिए रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम कैसी तैयार हुई है। हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जमकर तैयार है, इसे हमने ओवरनाइट जमने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। आप देख सकते हैं हमारी चॉकलेट आइसक्रीम कितने बढ़िया तरीके से जमी है। आइए इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमने एक स्कूपर ले लिया है, इसके मदद से हम ये देखिए हमने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम स्कूपर से इस तरीके से निकाल ली है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सर्व कर देते हैं। और अब हम अपनी चॉकलेट आइसक्रीम को थोड़े से और चोको चिप्स के साथ तो इस गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार है, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।